Hello everyone, my name is Vijayashree and welcome to the tutorial of electric motors and transformers. तो आज से इस ट्यूटोरियल से जो है हम शुरू करने वाले हैं यूनिट टू दैट इज ऑफ डीसी मशीन्स। तो इसमें क्या हमें क्या पढ़ना है कि डीसी मशीन्स के कैसे कैसे कौन से टाइप्स होते हैं। सो बेसिकली डीसी मशीन्स के जो है दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज डीसी जनरेटर एंड द सेकेंड वन इज डीसी मोटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डीसी जनरेटर के टाइप्स, क्योंकि मशीन है तो जनरेटर भी हो सकती है या फिर मोटर भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरेटर के टाइप्स। तो डीसी जनरेटर के जो है कितने टाइप्स होते हैं, पहले तो दो टाइप्स होते हैं मेन। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जनरेटर्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स। अब ये जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स हैं, इनके और तीन टाइप्स होते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज शंट जनरेटर्स। उसके बाद सीरीज जनरेटर्स, और लास्ट होता है कंपाउंड जनरेटर। और उसके बाद कंपाउंड जनरेटर के और टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है क्यूमुलेटिव कंपाउंड सॉरी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और जो दूसरा होता है वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। दूसरा जो उसके बाद इस क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के और भी दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव जनरेटर शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव जनरेटर। अब इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में दो टाइप्स होते हैं, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल और इसमें शॉर्ट शंट डिफरेंशियल। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप आप समझ जाएंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जो कि है हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जनरेटर। अब जनरेटर को सिंबॉल में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा प्राइम मूवर। ओके, पीएम मतलब प्राइम मूवर, और ये है आर्मेचर वाइंडिंग। दिस इज ए वन ए टू, और ये है फील्ड वाइंडिंग एफ वन एफ टू। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे जनरेटर का। ओके,
सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर होता है उसका जो कनेक्शन है और उसका जो डायग्राम है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाती हूँ। तो ये जो स्क्रीन पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है हमारे कनेक्शन ऑफ दी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो ये क्योंकि मशीन की बात हो रही है, हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें शो हो रहा है कि जो फील्ड वाइंडिंग है दैट इज F1 एंड F2, ये एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है। देर इज नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द आर्मेचर एंड द फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्टेड है मैग्नेटिक कपलिंग से, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्सेस से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अदरवाइज किसी केबल से, किसी वायर से ये कनेक्टेड नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है इनके बीच में। द आर्मेचर इज ड्रिवन मैकेनिकली बाय अ प्राइम मूवर। ओके, तो ये जो आर्मेचर है ये मैकेनिकली इस प्राइम मूवर से हम ड्राइव करते हैं। इस प्राइम मूवर से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। द प्राइम मूवर इज अ मशीन सच एज डीजल इंजन विच इज मैकेनिकली कपल्ड शाफ्ट टू द आर्मेचर वाइंडिंग टू रोटेट इट मैकेनिकली। तो ये जो प्राइम मूवर है ये शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, शाफ्ट जब रोटेट होता है तो उससे लगा हुआ आर्मेचर कोर भी रोटेट होता है, यानी कि प्राइम मूवर से आर्मेचर कोर जो है रोटेट होता है। द फील्ड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें से ये डीसी करंट, एक्सटर्नल डीसी सप्लाई हम इसको दे रहे हैं, और ये जब फील्ड वाइंडिंग को मिलेगा एक्सटर्नल डीसी सप्लाई, तो ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो होगा, और उस करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्सेस जो होते हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्सेस जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, विच इज कट बाय द रोटेटिंग आर्मेचर वाइंडिंग। और ये जो है फ्लक्सेस ये किससे कट होते हैं, इस आर्मेचर वाइंडिंग से, इस आर्मेचर पे लगी हुई वाइंडिंग से ये फ्लक्सेस जो कि बनाए गए हैं फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, तो ये कट हो जाते हैं। और उसी से क्या होता है, ईएमएफ जो होता है आर्मेचर वाइंडिंग में, आर्मेचर की वाइंडिंग में जो है इंड्यूस हो जाता है, दैट इज ई। ओके, यहाँ पे दिया गया है ये है आर्मेचर का इंड्यूस ईएमएफ, दैट इज ई। सो थस मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरीके से जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों? एक्सटर्नल डीसी सप्लाई से जो है हम फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्सेस जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्सेस जो है ये आर्मेचर वाइंडिंग कट करती है, क्योंकि ये आर्मेचर वाइंडिंग प्राइम मूवर से जो है रोटेट हो रही है, क्योंकि आर्मेचर कोर रोटेट हो रहा है, जो कि जो आर्मेचर ड्रम है वो शाफ्ट पे लगा हुआ है। ऑब्वियसली शाफ्ट रोटेट होगा तो आर्मेचर कोर भी रोटेट होगा, आर्मेचर कोर रोटेट होगा तो वाइंडिंग भी रोटेट होगी, और ये वाइंडिंग इस फ्लक्सेस को जो है कट करेगी और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैकेनिकल एनर्जी जो कि हम शाफ्ट को दे रहे हैं, प्राइम मूवर को दे रहे हैं, वो हो जाएगी कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो दिस एनर्जी इज देन सप्लाई टू द लोड। और ये जो जनरेटेड ईएमएफ जो है, ये एनर्जी जो है हम क्या करते हैं, हमारे लोड को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो करंट रिलेशंस, वोल्टेज रिलेशंस एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स अब हमें देखना है। तो बात आती है फील्ड करंट की। फील्ड करंट का जो फॉर्मूला है दैट इज आई एफ इज इक्वल्स टू वी एफ बाय आर एफ। कैसे? फील्ड करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज, सॉरी, फील्ड वोल्टेज अपॉन फील्ड का रेजिस्टेंस, एंड दैट इज कांस्टेंट। ये जो हमारा जो फील्ड करंट है इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है। ड्यू टू दी सेपरेट एक्साइटेशन द फील्ड करंट आई एफ विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सेपरेट एक्साइटेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें ये जो फील्ड करंट इसमें से फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होगा ये कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि हम सप्लाई जो है वो कॉन्स्टेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, इसीलिए ये फिक्स होता है। ओके, देन ये जो है वी एफ दैट इज एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई टू दी फील्ड, ये क्या है वी एफ, एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाइड टू द फील्ड, ये क्या है वी एफ। आर एफ क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ऑब्वियसली। उसके बाद हम देखेंगे आर्मेचर करंट। सो द आर्मेचर करंट, ओके, द लोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग, हेज द आर्मेचर करंट इज इक्वल टू द लोड करंट। क्योंकि जो लोड है हमारा
वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे आर्मेचर वाइंडिंग से। हमारी आर्मेचर वाइंडिंग से, तो इसीलिए क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर करंट है वो इक्वल रहेगा हमारे लोड करंट से। ओके, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा लोड हमारी आर्मेचर वाइंडिंग से, इसीलिए आर्मेचर करंट और लोड करंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट इज आई ए इज इक्वल्स टू आई एल इज इक्वल्स टू ई माइनस वी टी अपॉन आर ए, ये होगा इसका फॉर्मूला। दैट इज वी टी अपॉन आर एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर ए प्लस आर एल। तो ये है हमारे आर्मेचर करंट और लोड करंट का इक्वेशन। आर्मेचर करंट और लोड करंट क्या होगा, सेम होगा, आई ए इज इक्वल टू आई एल, सो दैट इज ई माइनस वी टी अपॉन आर ए। कैसे होगा, ई माइनस वी टी, अब ये जो वी टी है टर्मिनल वोल्टेज, ये इस इंड्यूस वोल्टेज में से माइनस हो जाएगा, और क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस, सॉरी आर्मेचर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि लोड करंट निकालना है। तो लोड करंट में जो लोड है हमारा उसमें क्या क्या कौन सा जो है वोल्टेज लगेगा, एक तो इंड्यूस वोल्टेज जो कि है आर्मेचर का इंड्यूस ईएमएफ, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज। तो इंड्यूस ईएमएफ में से टर्मिनल वोल्टेज जो है माइनस हो जाएगा और हमारे आर्मेचर का जो है रेजिस्टेंस वो अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरीके से वी टी अपॉन देन आर एल, क्योंकि ई ई बाय आर ए ई सॉरी ई ई बाय आर ए इज 1/RL, दैट इज यहाँ पे जो है हमारा वी टी अपॉन आर एल आ जाएगा ई माइनस वी टी अपॉन आर ए के बजाय। तो ई अपॉन आर ए प्लस आर एल, ये हो गई इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू ई अपॉन आर ए प्लस आर एल। ये कैसे होगा, ये जो हमारी वैल्यू है वी टी की, ये हो गई कैंसल आउट, तो बचेगा क्या, ई अपॉन आर ए प्लस आर एल। तो उसके बाद हमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के कुछ और भी इक्वेशंस और फॉर्मूलाज देखने हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।